फौरी इदमे एतमाद इदमे एतमाद होना चाहिए जल्द अज जल्द एक हफ्ता के अंदर अंदर इदमे एतमाद इसका अदमे एतमाद होना चाहिए और सरपंच की पावर जो ये चीज होनी चाहिए जो ये सरपंच है ये सरपंच मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना ये चटकियां पराता है हमको ये सरपंच हमको नहीं चाहिए। और वार्ड नंबर 6 का पंच मोहम्मद आजम मलिक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इदमे एतमाद फिल फोर इदमे एतमाद इदमे एतमाद होना चाहिए जल्द अज जल्द एक हफ्ता के अंदर अंदर इदमे एतमाद होना चाहिए। चौबल बलवंत सिंह नाम है मेरा, 7 नंबर वार्ड का पंच हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि इसका आदर होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। 3 नंबर वार्ड का पंच हूँ, नायब सरपंच भी हूँ, कोई इंसाफ नहीं बेइंसाफी है। एक से पंच हूँ और मेरी यही गुजारिश है जैसे हमारे पंच मोहम्मद आजम मलिक साहब ने कही है कि इसका अदम एतमाद होना चाहिए और सरपंच की पावर जो ये चीज होनी चाहिए। मेरा नाम है साई खान सर, कंथोल पंचायत वार्ड नंबर 5 का पंच हूँ मैं। सर आज यही है हमारी, मेरी भी यही अर्ज है कि एतमाद किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जल्द से जालिम आदमी की पावर सीज की जाए, नहीं तो हालत बहुत ख़राब है। कंथोल की हालत आप देख चले हैं, देखो ये अवाम के तड़प रही है। मैं प्रीत सिंह वार्ड नंबर 4 कंथोल पंचायत हल्का, मेरा भी इन साथियों के साथ यही कहना है कि ऐसा ही होना चाहिए जैसा इन्होंने बोला। शुक्रिया करता हूँ कि आप इस कड़ती धूप में रमज़ान के महीने में हमारी पंचायत कंथोल के अंदर तशरीफ़ लाए। आपको इस गरीब आवाम का सुन के आपको भी दुख लगा होगा, तो जैसे ये पूरी आवाम बोल रही है, पंचायत का जो सरपंच है कंथोल का, उसने जो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं हर डिपार्टमेंट, हर महकमे और डीसी साहब से गुजारिश करता हूं, एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, एलजी सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके दफ्तर में ये आवाम का आके लंबी पड़ जाए, लेट जाए, आपको उठाना मुश्किल हो, इसलिए इनका जो इनका अदल है वो इंसाफ होना चाहिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जो ये सरपंच है ये सरपंच मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना ये चटकियां पराता है हमको, तो ये सरपंच हमको नहीं चाहिए। और हमने हमको बनाई एक बांध बनाई, उसका आया 1,30,000 रुपया, कुछ भी चू अस भी मिले कहना के 30,000 रुपया वो भी नहीं खाई ना। बच्चे बीमार हो जान, असें दलोड़ी लेना पौने, रजौरी लेना पौने, ते अस्पताल कोई नहीं, असें ग्राएं च डॉक्टर नहीं लब्भना। पानी की बहुत कमी है ना, तो इधर स्कूल है उधर टीचर भी नहीं है, रोड रोड की भी कमी है। आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पानी चाहिए, हमें इधर पानी बहुत दूर है, पानी की बहुत कमी है। आप बशारत भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप यहाँ इस हमारी दूर दराज पंचायत और इस कमेटी के सदारत हमारे सरपंच मलिक आजम साहब और इनके साथ हमारे साथ जो ये पब्लिक है, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो सब बताया, सजाद भाई ने भी, हमारे सरपंच साहब ने भी बताया, पेमेंटी के बारे में भी, 14FC के बारे में भी, और ट्राइबल कहाँ चला गया, ट्राइबल के सिर्फ बाकी चलो वार्डों की हम बात करते हैं, 2 वार्डों में ट्राइबल का पैसा कहाँ क्यों नहीं मिला, 1 सोनी गाला 1 वार्ड नंबर 7। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 7 के पेंच साहब को पूछता हूँ कि जब प्लान बना था ट्राइबल का, तो मैं इन्फॉर्मेशन पेंच साहब से लूँगा, उसके बाद सरपंच साहब, क्योंकि जब प्लान बनता है तो इन पेंचों को तो इन्फॉर्मेशन होती है, तो प्लान बनता है। अगर बंद कमरे में बना हुआ तो बंद कमरे में बना हुआ जो बनाने वाले हैं बंद कमरे में बैठ कर फिर इन्फॉर्मेशन उनसे हम कार्रवाई करेंगे, ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने डीसी साहब से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ लाइट की, लाइट होती नहीं है, पानी है ही नहीं है, 1 महीने से यहाँ पे कोई मुलाजम नहीं है, जो डेली विजिटर बेचारे लड़के हैं, वो एक मुलाजम है डेली विजिटर बेचारा, वो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाता है, फिर वो वापस आता है। यहाँ पे बहुत बड़ी 3-4 पंचायतें हैं, एक ही मुलाजम है डेली विजिटर बेचारा, वो कितना काम करेगा। हमें यहाँ पे 1-2 मुलाजम दिया जाए, तो उसके बाद पानी पे गौर व फिक्र किया जाए। हम ये अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे इमाम खड़ी हुई है
और इन सब की यही रिक्वेस्ट है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारे ये घोटाले हो रहे हैं, तो जो कमेटी सबसे कमेटी हाल जो सिर्फ वहाँ पे ठंगरी पे बनना चाहिए था, जो मैं सुनना मेरी बात, जो इसकी 14 FC की पेमेंट सरपंच साहब ने मेरे को खुद बोला कि 1 लाख मस्जिद का, 1 लाख मंदिर का, 1 लाख त्रिमली ज़ारत का, 1 लाख वो जो ज़ारत है मुठून में उसका है, और पेमेंटें होती है 50-50 हज़ार का काम होता है। जब बोला जाता है लाखा पेमेंटें होती है 50-50 हज़ार की। उसके बाद जो निर्गा के हमारे टैंक बने हुए हैं, दो अकाउंट, एक मिनट सर, बशर सर, दो अकाउंट, मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के साथ मेरा नाम सही और अकाउंट गलत, मेरे पापा का अकाउंट, मेरा पापा का जो नाम है वो सही में, और उसके साथ मेरी ताई जी का नाम लिखा हुआ अकाउंट, दोनों का है नहीं। मैं मेरे पास फ़ोन में फोटो और डिटेल बता सकता हूँ, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ DC साहब से कि हमारा जल्द से इस आवाम की तरफ से सिर्फ ये मैसेज LG गवर्नमेंट से देना चाहता हूँ कि अगर चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ता का टाइम हम देते हैं, एक हफ्ता के अंदर के कमीशन ना बनाया गया, इतमें एतमाद ना हुआ, तो इस आवाम को रोड पे उतरना पड़ेगा और हेड ब्लॉक हेडक्वार्टर पर धरना लगाकर बैठेंगे और इसका खमियाजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू बात, एक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो बातें जेरे गौर हो चुकी हैं आपके सामने, तो ये हम अपील करते हैं कि इन पर फिल फोर एक्शन होना चाहिए और एक कमीशन बैठाकर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और हफ्ता के अंदर इदमे एतमाद होना चाहिए। तो मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ क्लोजिंग के, सदा मौसम बहारों के नहीं रहते, उससे कहना सदा मौसम बहारों के नहीं रहते, सब्ज़ पत्ते भी गिरते हैं जब हवाएँ रुख बदलती हैं। शुक्रिया, खुदा।